प्रदेश की मंडियों में 1 अक्टूबर से बाजरे की सरकारी खरीद की जा रही है और मंडियों में किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए कृषि मंत्री मंडियों का उच्चक निरीक्षण कर रहे हैं। आज कृषि मंत्री जेपी दलाल रेवाड़ी की कोसली अनाज मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने खरीद प्रक्रिया का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। साथ ही उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को किसानों से माफी मांगकर प्रदेश में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने 60 वर्षों में किसानों का केवल शोषण किया है। जेपी दलाल ने राहुल गांधी को फोटो खिंचाने के लिए सड़क पर आने वाला नेता बताते हुए कहा कि राहुल गांधी विदेश यात्रा पर रहते हैं, लेकिन 6 माह में कभी दलित तो कभी किसानों के नाम पर फोटो खिंचाने वापस आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल किसानों को गुमराह कर रही है, जबकि बीजेपी सरकार ने किसान हित में कई योजनाएं चलाई हुई है। इसके साथ ही कृषि मंत्री ने बाजरे की खरीद को लेकर कहा कि कोई भी फर्जी दस्तावेज या पुराना बाजरा सरकारी खरीद पर बेचने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ तुरंत केस दर्ज किया जाएगा। किसी दूसरे राज्य के किसानों का बाजरा प्रदेश की मंडियों में बिल्कुल नहीं खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि व्यापारी या अधिकारी किसानों को परेशान करते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि 2150 रुपये के रेट पर किसानों का बाजरा सरकार खरीद रही है और केवल उन्हीं किसानों का बाजरा खरीदा जा रहा है जिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था। है और ये जो सरपंच रचा हुआ है सिर्फ कांग्रेस की राजनीति है, क्योंकि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी 6 महीने में एक बार फोटो उतरने आते हैं, कभी दलित के नाम से, कभी किसी और मुसलमान के नाम से, कभी किसान के नाम से। मेरे ख्याल में 4-6 महीने हो गए उनको विदेश यात्रा करते करते, अब एक फ़ोटो उतराने के लिए वो आएंगे, उसकी तैयारी में सारा ये परपज चल जा रहा है। बाकी आपके यहाँ देख लीजिए, किसानों के लिए अच्छी ट्रेनिंग होगी, डायरेक्ट जो है सारी मंडियाँ ठीक चल रही हैं और ये भ्रम फैलाया गया कि मंडियाँ नहीं रहेंगी, MSP पर परचेज नहीं रहेगी, उसका जवाब हमारी मंडियों की परचेज, हमारे किसानों की परचेज और डायरेक्ट उनके खाते में पैसा है, ये उसका जवाब है। और राहुल गांधी अगर हरियाणा में आते हैं तो सबसे पहले उनको हरियाणा के किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि 60 साल तक किसानों का जो शोषण हुआ है उनके टाइम में, वो हरियाणा के किसानों से माफ़ी मांगे और उसके बाद जो है हरियाणा में कदम रखें, ये एक अच्छी परंपरा हो। हरियाणा के किसान का बाजरा खरीदने का है, बाहर के किसान का बाजरा बाहर की सरकारें खरीदें, हम नहीं खरीदेंगे। और इसके लिए अगर कोई पुराना बाजरा, गलत बाजरा या गलत डॉक्यूमेंट के तहत देने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, FIR दर्ज की जाएगी। किसान को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और जो किसान को कोई व्यापारी को भाई कोई तंग करेगा अधिकारी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।